भारत सरकार द्वारा इस समय ऑनलाइन पशु जनगणना की शुरुआत कर दी गई है, लेकिन जनगणना में सबसे बड़ी समस्या मोबाइल नेटवर्क को लेकर आ रही है, क्योंकि उत्तराखंड में अभी भी सैकड़ों गांव नेटवर्क से कोसों दूर हैं। लेकिन अब इस समस्या का समाधान भारत सरकार के अधिकारियों ने खोज लिया है और अब ऐप के माध्यम से ऑफलाइन जनगणना भी हो सकती है। इसी को लेकर भारत सरकार व प्रदेश सरकार की टीम डोईवाला ब्लॉक के सुदूरवर्ती गांव कुड़सी में पहुंची, जहां उन्होंने ऑफलाइन ऐप की टेस्टिंग कर उसे जांचने का प्रयास किया। अगर सब कुछ सही रहा तो जल्द ही पूरे भारत में इस ऐप को लॉन्च कर इसी ऐप के माध्यम से पशु जनगणना हो सकेगी। इसी दौरान पशु विभाग के डायरेक्टर वीपी सिंह ने बताया कि सरकार द्वारा सभी मवेशियों की गणना का कार्य शुरू किया गया है, लेकिन कई जगहों पर तकनीकी दिक्कतें सामने आ रही थी और अब उन परेशानियों को दूर कर लिया गया है, जिसके बाद तेजी से गणना का कार्य किया जा सकेगा। डोईवाला से जावेद हुसैन सिद्दीकी की रिपोर्ट। ऑनलाइन ऐप के माध्यम से भी पशु धन गणना की जाएगी और बिना नेटवर्क के भी पशु गणना की जाएगी, लेकिन सभी जो गणना है वो हम मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से ही करेंगे। इस बार हम लोग जो है ऑफलाइन के लिए भी, जैसे सेंसस में एप्लीकेशन होता है मोबाइल एप्लीकेशन, वो ऐप जो है ऑफलाइन मोड में भी उसको अपने सिस्टम पे डाउनलोड कर लेंगे ऐप स्टोर से। उसके बाद उसको जहाँ पे नेटवर्क नहीं है वो नेटवर्क जाके, जैसे हम मैनुअली एक एक पेज में डेटा फिल करते हैं, उसी तरह से उसमें भी भरेंगे। जब भर लेंगे डेटा, उसके बाद वो नेटवर्क में जब आएंगे अपने हेडक्वार्टर, तहसील हेडक्वार्टर या और नियर बाई में जहाँ पे लगता है कि नेटवर्क का एरिया अच्छा है, वहाँ पर डेटा सीधे सर्वर में चला जाएगा, तो डेटा उनका पूरा फिल हो जाएगा। आज कौड़सी गांव में आए हैं, हमारे साथ भारत सरकार की टीम और पशुपालन रानी पोखरी की टीम आई है और हमें बड़ी खुशी है कि पहली बार हमारे क्षेत्र में भारत सरकार की टीम और पशुपालन की टीम एक साथ मिलकर आई है और गाँव का सर्वे कर रही है। इससे किसानों को बड़ा लाभ होगा। जो किसानों का एक यूनिक टैग आईडी है, जो अब 21वीं पशु गणना चल रही है, इसके द्वारा सभी पशुओं की गणना हो जाएगी। समय समय पर जो बीमारियां हैं, वैक्सीनेशन है, उससे किसानों को समय समय पर सूचना मिलती रहेगी। इससे किसानों को बहुत फायदा होगा और हम भारत सरकार की टीम का और पशुपालन की टीम का धन्यवाद।